ये है Redmi Note 12 5G और Note सीरीज का वेट पिछले काफी टाइम से हम सभी कर रहे थे, तो अब इसे अनबॉक्स करें। तो पॉलिथिन को रिमूव करते हैं और बॉक्स कंटेंट को चेकआउट करते हैं, जहां बॉक्स के फ्रंट साइड में Note 12 को काफी हाईलाइट किया गया है। जहां बॉक्स ओपन करने पर हमें सबसे पहले तो एक ट्रांसपेरेंट कवर देखने को मिल जाता है और सेकंड सेक्शन में हमें स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। और अब आते हैं सीधे अपने स्मार्टफोन में। बाकी इस बॉक्स में हमें 33 वॉट का एक एडेप्टर विद USB टाइप सी पोर्ट और इसके अलावा यूजर गाइड और सिम इंडिकेटर टूल देखने को मिल जाता है। सबसे पहले से स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन को रिमूव करते हैं और इसके साथ ही मिडिल में लगी हुई स्लिप को भी। बाकी ये है ट्रिपिकल ब्लैक कलर, यहाँ पर जब लाइट पड़ती है तो काफी ज्यादा साइन करता है। यहाँ पर हमें डुअल रियर कैमरा स्टेप देखने को मिल जाता है, जिसका प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी सेंसर है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए। और इसके अलावा एक LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। बाकी राइट कॉर्नर में है Redmi और 5G की ब्रांडिंग। बाकी राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के साथ में पावर बटन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, वहीं पर बॉटम में स्टीरियो स्पीकर USB टाइप सी पोर्ट माइक्रोफोन और वहीं पर बात करके टॉप की तो वहां पर IR ब्लास्टर 3.5 जैक, जो आजकल बहुत गिने चुने स्मार्टफोनों में देखने को मिलता है। अब करते हैं इसे रिबूट, जब तक ये रिबूट होता है तब तक इसके और स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। वहीं पर फ्रंट साइड में 6.67 इंच की सैमसंग OLED की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। बाकी यहाँ पर हमें सेंटर पंच होल कटआउट देखने को मिल जाता है, जिसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर लगा हुआ है। बाकी ये रन करता है MIUI 13 पे। बाकी से स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इसमें लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 चिपसेट और इस चिपसेट के साथ में आने वाला पहला ये स्मार्टफोन होगा। और इस चिपसेट कारण आपका गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक रहने वाला है। अगर आप थोड़ा बहुत गेम प्ले करते हो मीडियम ग्राफिक्स पे तो बेस्ट है, अगर आप गेम को एक्सट्रीम लेवल पर खेलते हो तो ये आपके लिए नहीं है। पर बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। ये स्मार्टफोन 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे स्मार्टफोन को आप कुछ मिनटों में ही फुल चार्ज कर पाओगे। बाकी ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में इसी वीक या फिर नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएगा। इंडिया में इसकी प्राइस 12,000 रुपए के अराउंड में होगी। बस वीडियो में इतना ही। अगर इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।